कुछ नहीं, बस बप्पा का सेवा कर रहे हैं। चालू है सेवा करना बप्पा का। 1.5 दिन के गणपति हैं हमारे, और स्पेशल भी है इस साल क्योंकि हम लोगों की शादी हुई है और शादी के बाद ये पहले गणपति हैं हमारे। ऐसे चौथा साल है ये, और बस यही स्पेशल है कि बस बप्पा की पूजा पाठ में हम लोग लगे हुए हैं। तो बप्पा के आगमन पे और क्या क्या और क्या विशेष होने वाला है, क्योंकि बप्पा का आगमन पूरे मुंबई में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आप भी उसमें सेलिब्रेट कर रही हैं। तो सीमा सिंह का क्या कुछ खास होने वाला है ये सेलिब्रेशन बप्पा का? खास तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए बप्पा इतने ज़्यादा मायने रखते हैं कि इनकी तैयारी हर साल हम लोग, मतलब जब आते हैं बप्पा तो तैयारी में लगे रहते हैं और कोशिश ये रहती कि किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, लोग आते और बोलते वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम, अरे ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। तो हमारी तरफ से कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती है। हमें लगता है कि हम जितना करें बप्पा के लिए तैयारियाँ उतनी कम है। हाँ, इस बार ये है कि मैंने पिछले साल माना भी था कि वो मराठी में बोलते उकड़ी से मोदक, चावल के आटे का मोदक, तो वो बप्पा का फेवरेट होता है। जैसे हम सिद्धि विनायक भी जाते हैं तो वही चढ़ाते हैं पप्पा को। तो मैंने ये माना था कि इस साल मैं प्रसाद में वही रखूँगी, तो मैंने इस साल वही उकड़ी से मोदक रखी हूँ मैंने प्रसाद में, स्पेशली पप्पा के लिए। ओके सौरभ भाई, आप क्या कहना चाहोगे, पप्पा का आगमन हुआ है और कैसे देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी गणेश पूजा की बधाई दूंगा, सब लोग अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। और बाकी बप्पा का आशीर्वाद है, सब अच्छे से चल रहा है और ऐसा आशीर्वाद बना रहे, सब पे बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। ये साल कुछ आपके लिए खास है, महत्वपूर्ण है? कोशिश है हमारी, हम लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश में पापा का हैं। आगमन हुआ है, फिर सीमा सिंह का आगमन हुआ है आपके जीवन में। नहीं, पापा का आशीर्वाद है कि सीमा मुझे मिली है, उसके लिए तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। और रही कि हाँ, हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पापा के आशीर्वाद से, देखते हैं हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। सीमा, आपके जीवन में कितना बदलाव आया है पापा का, ये मतलब अभी एक बहुत खास बदलाव है। मैं बताने जाऊंगी तो एक किताब भर जाएगी कि ये चौथा साल है बप्पा का। और मुझे फर्स्ट ईयर आज भी याद है कि बप्पा जब आए थे फर्स्ट टाइम घर, उसके बाद से अभी तक मेरी लाइफ चेंज ही होती गई है। 2 साल जब कंप्लीट हुआ था, तीसरे साल में पप्पा ने मेरा एंगेजमेंट करा दिया, चौथे साल में देखे शादी करके बिठा दी, 5वें साल में पता नहीं क्या तो उस बीच की जो कहानियां है ना, मैं ऐसी चढ़ती गई हूँ ऊपर। तो मैं, मतलब बोलते ना, आग बन करके पापा पे विश्वास करती हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं ये मांगूंगी तो दे देंगे, ये मांगे। तो अब इस साल से मांगना भी बंद हो गया है कि बस इतना है कि पापा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद दे क्या बस। हम कह सकते हैं कि विशेष आशीर्वाद है आपका, आपके ऊपर बप्पा हाँ, का? मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि एक कनेक्शन होता है ओके ना। बप्पा एक ऐसे भगवान हैं जो दोस्त हैं, तो वो मेरे लिए दोस्त हैं। मैं, हम लोग बचपन से इनकी पूजा करते आए हैं। हम जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई 11 दिन के गणपति रखते थे, उनका मतलब 25 साल कंप्लीट हुआ है, किसी का 20 साल कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे गणपति में हम छोटे छोटे बच्चे सारे बैठते थे, परिवार तो जाकर सो जाता था, लेकिन वहाँ जो एरिया के बच्चे होते थे ना, सब इकट्ठा होते थे, सिर्फ वो उकड़ी से मोदक बोलते थे वो खाने के लिए। हम लोग ये खाने के लिए रात भर जगे रहते थे। तो उस दौरान हम देखते थे उनकी पूजा पाठ और पप्पा से ऐसी बात करते थे, पप्पा जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं आपको बुलाऊंगी, आप आना घर, ऐसे बोलते थे इनको। पर बोलते हैं कि वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर ये पधारते हैं, और लोग मानते हैं 3 साल, 5 साल, 11 साल। मैं जब फर्स्ट टाइम लेकर आई थी तो मैंने एक ही बात बोला था पप्पा से कि पप्पा मेरी, मैं उस लायक रही, मैं तब तक आप, मतलब जब तक आप चाहोगे तब तक घर में स्वागत है आपका। तो ये पापा की मर्जी है, और 4 साल में तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ दिया। बस इतना बोलूंगी पापा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सीमा, अगर बप्पा की बात हो रही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बप्पा की खास 5 खास बातें हैं। एक तो उनकी लंबी सूंड है, हाँ दूसरी उनके बड़े कान हैं, हाँ तीसरा उनका बड़ा पेट पेट है, है, हाँ और चौथा उनका छोटी आंखें हैं। हाँ इन 5 खास बातों में से एक कोई अगर बात आपको शेयर करना हो तो क्या हाँ कहेंगे?
मैं बताता हूँ आपको कि पेट लंबा क्यों है गणपति का, क्यों होता है, आगे हाँ क्या वो मुझे है? पता है कि वो सारी बातें अपने पेट हजम में कर ले दबा, जाते हैं। हाँ, आप नहीं हजम कर पाते बताएं खास जी। मुझे भी बस यही बात पता है कि उनका पेट इसलिए इतना बड़ा है कि वो सारी बातें यहाँ सुनते हैं और अपने पेट में हजम करते हैं, कभी किसी से बाहर शेयर नहीं करते। तो मुझे भी यही बात पता है इनके बारे में, बप्पा के बारे में। ओके सौरभ, आपको क्या कुछ बप्पा के बारे में, अगर घर पे आगमन हुआ है तो कुछ जानकारी भी है, रखी होगी आपने, खास बातें क्या है बप्पा की? नहीं, बप्पा की कैसे पूजा करते हैं, कैसे लाते हैं, कैसे विसर्जन पद्धति क्या है, इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं बिहारी हूँ, ठीक है। ये यहाँ रही है सब कुछ, जितना भी मतलब पूजा करने के तौर तरीके जो भी है, मैंने इससे ही कुछ सीखा है, ठीक है। तो मुझसे अच्छा तो यही बता सकते हैं आपको कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्या करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो इसने बोला ना अभी कि बप्पा पेट में बातें पचाते हैं, हाँ वो भी पचाते हैं और ये भी पचाती है इसलिए शायद दोनों का पेट थोड़ा अच्छा दोनों बप्पा भी खाते पीते करके मैं भी खाती छोटी है, क्योंकि जब दूर दृष्टि होती है तो आदमी ऐसे आँख खोल के नहीं देखता। हाँ। आँख थोड़ी सी छोटी करके देखता है, तो सीमा में भी वही बात है, आँख इनकी थोड़ी छोटी है, क्या कहेंगे? देखो हाँ, वो मेरे प्रति है, मेरे बारे में दूर से देख रहे की क्या कर रहे हैं, क्या दूरदृष्टि के बारे में क्या कहेंगे सीमा? दूरदृष्टि जो आपने विजन किया था, अचीव किया, और क्या अचीव करने वाली है उसके बाद? मुझे जो अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ okay. मेरे लिए फाइनली यही और अब जो है वो इनसे है, अब हम मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो इनके जरिए, इनका नाम, इनकी इज्जत, मैं बस बप्पा से यही मांगती हूँ कि अब इनके जरिए मेरा नाम है, मेरा जो था वो तो हो गया है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी इज्जत बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये मेंटेन रहे और ये इसी में और आगे जाए, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के जरिए हूँ। मेंटेनेंस काम में रहे या फिटनेस में? नहीं, किसके लिए था? दोनों में जरूरी है। हाँ, ये दोनों दोनों फिट फिट रहेंगे तभी काम अच्छे से हो सकता है। मूवी भी कर रहे हैं, हिंदी फिल्म थोड़ा बताइए, आजकल बहुत खबर आ रही है। नहीं 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 बताना, नहीं नहीं हमने फोटो जगह फेसबुक पे आप हाँ हम लोगों की प्लान तो चल रही है एक मूवी की। देखिए जब ना सब कंप्लीट हो जाए ना तब बताना, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी है, मैंने मेरे करियर में मैंने हमेशा ऐसा किया है कि जब कुछ काम हो गया है ना तब मैंने बताया। एक होता है ना कि बोल दिया, अरे का कुछ कर, ये होता है मेरा हमेशा रहा। मैंने गोविंदा जी के साथ मीटिंग किया, उनके साथ मैंने रिहर्सल किया, डेली हम लोगों का वो कॉस्ट्यूम ये होगा वो होगा, एक महीने तक बात सब होता रहा। लेकिन मैंने कब सबको बताया, जिस दिन मैंने गाना शूट कर लिया तो वो खुशी अलग थी। सब लोग वाह सीमा जी बहुत अच्छा लगा ये वो, अब होता है ना चल रहा है पता नहीं किए नहीं किए, ये चीज़ें होती है। तो मेरा हमेशा बिलीव ये रहा ना कि करो तो ज़्यादा अपने लोगों को खुशी होती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सीमा सिंह लौटेंगी या नहीं? सौरभ जी आप बता दीजिए, वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ओ तो बेचारे मुझे बोलते हैं क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, बोलते नहीं 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 मेरी कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास अगर मन है तो आगे भी कर सकती है, नहीं मन है तो आगे जैसे इसकी लाइफ इसको बिताने की इच्छा। फिलहाल तो मैं जो करना चाह रहा हूँ यही है कि एज अ प्रोड्यूसर इसको किसी भी तरीके से साथ में खड़ा कर सकूँ। मतलब बैठ के खाने हाँ। में जो मजा है ना वो काम करके खाने में नहीं। लेकिन आपने भी बहुत लंबा सफर तय किया, तो आप ये कैसे बोल सकते कि बैठ के खाने में मजा है? हाँ तो मैं वही, लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्यों काम छोड़ दिया, मैं एक्चुअली सच में ये बताना चाहूँगी कि मैंने 11 साल रील पे काम किया, मतलब काम किया है मैंने, तो अब रियल जिंदगी जी रही हूँ, तो यार मुझे शांति से एक दो साल तो जीने दो। लोग पूछने लगे थे सीमा जी काम करेंगे नहीं अभी, करेंगे कि नहीं अभी, अरे शादी को टाइम ही कितना हुआ, लोग अचानक पूछना शुरू कर दिए कि काम करेंगे कि नहीं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप अभी वैकेशन मना रही हैं साथ। यस, अपनी रियल जिंदगी में जी रही हूँ, जो मैं बोलते ना मैंने काम के चक्कर में घूमना फिरना बंद कर दिया था, सिर्फ काम काम काम, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, रात को गाना कि सुबह फ्लाइट रिटर्न है, फिर दोपहर में बैठी, फिर शाम की फ्लाइट पकड़ी, फिर शूटिंग पे चली गई। मैं सिर्फ रक्षाबंधन और दीपावली लोगों को बोलती थी और एक गणपति की, मैं ये 4 दिन साल में ना काम नहीं करती, क्योंकि ना मैं घर जाती हूँ और गणपति में यहाँ 1.5 दिन 2 दिन का रहता है, बाकी दिन सिर्फ काम ही काम करती थी। तो अब
अब पता चला कि रियल जिंदगी क्या होती है, वो जी रही हूँ मैं अपने परिवार के साथ, अपने मायके के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं अपनी रियल जिंदगी जी रही हूँ। सौरभ जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब सीमा जी पहले इंडस्ट्री में थी, रियल लाइफ जी रहे थे, अब रियल लाइफ में आपके साथ कैसा चल रहा है? आई थिंक रियल लाइफ ज्यादा अच्छा है। कुछ बताना चाहेंगे उनकी खूबी? एक दो हो तो शायद मैं गिना भी देता, बट एक एक छोटी छोटी बात कैसे गिना सकता हूं? जो आपको पसंद है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, कभी भी कुछ भी हो, खाना हो कुछ भी हो, जो कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेलिब्रिटी कि वो आपके लिए कभी खाना बना दे या फिर खाना खिलाने के लिए मतलब फ़ोन करे कि हाँ अरे कहाँ रहे, तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। आने वाले सर एक साल में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ क्या अचीवमेंट आप पाना चाह रहे हैं? देखता हूँ, मैं कोशिश तो हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में नज़र आऊँ, और बाकी बप्पा है कहाँ लेके जाते हैं। और बॉलीवुड में जो आपकी एंट्री है उसको किस रूप में देख रहे हैं बतौर निर्माता? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी मूवी बनाने की, ठीक है, सीमा साथ में है, हम दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी और सच्ची घटना के ऊपर ही मूवी बने, जब भी बनाऊँ मैं, आगे भी बनाऊँ इसके बाद भी, ठीक है, तो एक सच्ची घटना पे ही आधारित हो, ताकि मतलब लोगों को कुछ उससे सीख मिल सके, ठीक है। तो अब बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ। बात कहाँ तक पहुँची सर? ये बात तो चल रही है लेकिन पहुँची कहाँ तक है? देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस शूट डेट मैंने अनाउंस नहीं किया है अभी, जो कि होप सून मैं कर ही दूंगा अभी, आई थिंक नेक्स्ट टू मंथ्स। और संभावित मुद्दा आर्टिस्ट है, ऐसे आप शॉर्टकट में बोल दीजिए ना कि बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। अब संभावित में आई थिंक फिर मैं सब बातें खोल दूंगा तो कुछ सस्पेंस नहीं रह जाएगा लोगों के लिए। तो हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये जो एक एक बोलने से अच्छा है कि एक अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग। फिल्म में मनोज बाबू को साइन किया, मतलब ये सच्चाई है कि फिल्म में? नहीं, अभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, जब तक सब कुछ प्रॉपर हो के मैं शूट पे ना चला जाऊँ, या मतलब उसके पहले शूट पे जाने से पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आप सभी लोगों को, अभी से ही निमंत्रण दे दे रहा हूँ, जब करूँगा तो तब तो दे दूँगा ही, ठीक है, बट मैं उसी दिन जब मैं प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा मूवी के लिए तो मैं पूरी बातें बताऊंगा कि हाँ किस चीज़ के ऊपर मूवी है। हाँ मैं इतनी बात अभी बता सकता हूँ कि सच्ची घटना है जो कि हमारे बिहार में घटी, उसके ऊपर ही एक मूवी है। चलते लौट के आते हैं गणपति बप्पा के याद में, और सीमा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत सारे सेलिब्रिटी के घर पे गणपति आई हुई है, कोई पहुंच पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आपके यहाँ किसका किसका आगमन हुआ है, होने वाला है, क्या कुछ? सुबह से तो हम लोगों को बिल्कुल फुर्सत मिली नहीं है, और मैं शाम को एक्चुअली सोचती हूँ कि ये आए थे कि नहीं आए थे, अच्छा यहाँ वो अचानक कहीं पे फोटो मैं देख लेती हूँ फेसबुक या इंस्टा पे, अच्छा ये आते हैं क्या? मुझे ऐसा होता है, क्यों होता है बताओ? इनके तैयारी में एक्चुअली हम लोग लग जाते हैं एक महीना पहले से, और हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग कल से सोए नहीं हैं, और अब जब तक पप्पा हैं तुम 2 घंटा सोए हो, ठीक है, मैं जगा रहा हूँ रात भर, और जब तक पप्पा हैं तब तक शायद हम लोग नींद पूरी होगी भी नहीं, तो इनकी सेवा में हमारा पूरा ध्यान हम लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ पप्पा की सेवा में लगा रहता है। ऐसे काफ़ी लोग आए हैं और अभी आने भी वाले हैं, तो 1.5 दिन के गणपति में ही होता है, एक तो आप लोग देख रहे हैं बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी लोग पहुँचते हैं, और मेरे लिए खुशी की बात ये होती है कि पहले साल जो गणपति में आए थे वो ये 4th साल है कि वो लोग लगातार आ ही रहे हैं यहाँ पर, मतलब इतनी श्रद्धा है उनकी बप्पा से जुड़ी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले साल मन्नत मांगा था और दूसरे साल आकर मन्नत पूरी भी किया था बप्पा के साथ। ऐसे तो मैं भी बहुत सारी मन्नतें मांगती रहती तो पूरी होती रहती है, तो मैं भी सबको बोलती थी कुछ मांगना तो मांग लो, तो ऐसा होता है, तो वो बरोबर लगा हुआ है कि हाँ ये लोग तो आने वाले हैं, तो काफ़ी लोग अभी आकर गए, और अभी शाम होने वाली है तो अभी काफ़ी लोग जैसे 6-7 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं आना, होता क्या है कि कोई दूर होता है तो वो वहाँ से आते आते यहाँ पर शाम हो जाती, तो सोचते ना एक साथ सबके दर्शन यहाँ से करते हुए जाए। तो पप्पा को खाना बहुत पसंद है, 56 भोग, क्या क्या बना है आज?
छप्पन भोग नहीं, देखिए क्या बताया आपने? मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि बच्चे को जो खाना खिलाओ खुशी से, वो पापा श्रद्धा देखते हैं कि क्या खिला रहे हैं। जैसे मैं हर बार उनको सुबह, हम लोग बोलते हैं नाश्ता दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता रात का खाना, तो सुबह में उनको मिठाई खिलाते हैं, दोपहर का फिर खाना होता है, फिर शाम को भी अभी मिठाई उनको खिलाया जाएगा, फिर रात का खाना। तो जो खाना होता है वो हम लोग कभी कभी पूड़ी भाजी खीर ऐसे करते थे, तो इस साल मैंने बोला कि पापा थोड़ा सा अलग खाओ, तो इनको इस साल हम लोगों ने पुलाव खिलाया है अभी दोपहर में खाने में, वेज पुलाव और काबुली चने की सब्जी और खीर। बाकी इनका फेवरेट चावल के आटे का मोदक है, और बाकी मिठाई है, मिठाई तो पापा तो लड्डू है ना, लड्डू बहुत खाते हैं। कितने दिन का है कर, मिठाई सब? हाँ, डेढ़ दिन के करीब। कल विसर्जन होगा? हाँ, कल विसर्जन होगा। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।